सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो लाइक फ्रैक्शन, उसकी सब्स्ट्रक्शन और एडिशन, और अनलाइक फ्रैक्शन। आज हम अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अनलाइक फ्रैक्शन हमने अपने पहले भी बताया है कि जिसके डिनोमिनेटर चेंज हो। इफ़ टू फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर दैट इज़ नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या, लाइक फ्रैक्शन के बिल्कुल इन्वर्स है, जैसे कि उसके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं और इसके डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिए अनलाइक फ्रैक्शन की, जैसे ये देखें 2/4 प्लस 2/6। और ये हमने डायग्राम भी लिए, एक हमने सर्किल लिया है, या हम इसको एक बिस्किट भी कह सकते हैं, और ये हमने एक स्क्वायर लिया है। तो इसकी हमने 4 पार्ट की, टोटल पार्ट 4 और 2 पार्ट्स हमने लिए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक बिस्किट लिया है, तो ये मैंने एक बिस्किट लिया, इसके हमने 4 पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट्स मैंने ले लिए, बाकी 2 पार्ट्स। तो ये जो टोटल पार्ट होते हैं इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और इसमें ये जो है, ये भी हमने स्क्वायर लिया, इसकी टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 पार्ट हैं। ये और ये दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये इस एलसीएम फ्रैक्शन के भी जो डिनोमिनेटर हो गए वो डिफरेंट हो गए। तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन कैसे होती है, तो आज हम अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे 2 है और ये 2/4 और 2/6। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 को 2 के साथ ऐड कर दें और 4 को 6 के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्शन को ऐड करने के रूल्स होते हैं, उस हिसाब से ही हम इसको ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन के लिए, पहले हमको क्या करना होगा कि उनको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों की डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो कि हमने ली यहाँ पे वो थी 12, क्या है, 6/4 की एलसीएम है 12। इनकी एलसीएम 4/6 की एलसीएम आई 12। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 12 आए। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 12। जैसे कि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये फ्रैक्शन का रूल है कि अगर आप डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें। तो हमने 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया, और अब ये यहाँ पे 6 है, 6 को भी ऐसे ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 12 आए। तो हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 12। और इसी 2 को जो है हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को भी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखें, 3 को 4 को 4 का टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा, हमारा 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, और 2 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे 6 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, और
टू को भी टू टाइम, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो थ्री को थ्री टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो सिक्स आएगा, और फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री तो ट्वेल्व, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू टू बाय फोर प्लस सिक्स टू बाय सिक्स, वो हम बराबर है टेन बाय ट्वेल्व की। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने ट्वेल्व ली एलसीएम, तो वो एलसीएम कैसे ली वो हम आपको करके दिखाएंगे कि हमने यानी जो एलसीएम ली थी ट्वेल्व वो कैसे ली। ये टू मेथड से हम एलसीएम लेते हैं। एक है कि हम सिक्स और फोर दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। सिक्स और फोर के टेबल में जो जो फैक्टर्स आते हैं हम वो लिखेंगे। जैसे कि हमने ये फोर है, फोर लिखा, फोर के जो भी फैक्टर्स हैं एट है, ट्वेल्व है, सिक्सटीन है, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी एट। ऐसे ही हमने सिक्स के टेबल में भी जो जो फैक्टर्स हैं, सिक्स के जो भी फैक्टर्स हैं हमने वो लिखा, ट्वेल्व, एटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी, थर्टी सिक्स एंड फोर्टी टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो वो कॉमन है, ठीक है, और लीस्ट नंबर पे है। जैसे कि हमें पता है कि फ्रैक्शन एलसीएम का मतलब जो मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा फैक्टर जो है वो दोनों में है, कॉमन है और लीस्ट नंबर पे है। तो सबसे पहले जो इनमें कॉमन और लीस्ट नंबर पे है वो है ट्वेल्व, ट्वेल्व है तो इनकी एलसीएम भी होगी ट्वेल्व। वैसे तो हम इसमें ट्वेंटी फोर भी है जो कॉमन है, बट हमें क्या करना है कि जो लीस्ट नंबर पे हो और कॉमन हो दोनों में, तो हम वही लेंगे और वो वही एलसीएम है। एक ये तरीका है एलसीएम लेने का, जैसे कि यहाँ पे ट्वेल्व इनकी एलसीएम आई, ठीक है, तो एक ये है एलसीएम लेने का वे, और दूसरा है ये, यहाँ पे हम फोर लिखेंगे और यहाँ पे सिक्स। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम लेंगे। यहाँ पे फोर लिखा और यहाँ पे सिक्स, अब हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। अब हम इनको डिवाइड करते जाएंगे, टू की टेबल से फोर जा रहा है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर और टू थ्री ज़ा सिक्स। अगेन वही टू का टेबल टू पे वन टाइम, थ्री पे नहीं लग रहा तो हम थ्री को एज इट लिखेंगे। अगेन थ्री का टेबल थ्री पे वन टाइम और ये वन। ये हमें तब तक करना है कि लास्ट में या एंड में जो है कि वन वन ना आ जाए। तो यहाँ पे वन वन आ गया। अब हम देखेंगे कि ये टू मल्टीप्लाई टू से और टू थ्री से, तो ये देखें टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर और फोर मल्टीप्लाई थ्री, तो हमारा आंसर आया ट्वेल्व। अब आप देखें कि इसमें और ये यहाँ पे दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, तो हम इस वे या इस वे किसी भी वे में अगर हम एलसीएम लेंगे तो आंसर वही आएगा। ये दो वे हैं एलसीएम लेने के, ठीक है, तो ये दो तरीके थे एलसीएम लेने के। आज हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन क्या है और एलसीएम हम कैसे लेते हैं, वो तरीके भी हमने बताए। एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो है ना फ्रैक्शन
फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन या सब्स्ट्रक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ते हैं? ज़ाहिर बात है अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका भी डेली लाइफ में भी कोई यूजेज होगा। हम अपनी डेली लाइफ में फ्रैक्शन का क्या यूजेज है? तो हमारी डेली लाइफ में फ्रैक्शन के काफ़ी सारे यूजेज हैं, जैसे कि हमारा किचन हो, टाइम हो तो हम फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि मुझे हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो शुगर चाहिए, तो हाफ़ ये हाफ़ क्या है, ये भी फ्रैक्शन है। और जो अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम में भी जैसे कि हम बोलते हैं ना 2:15 हुए हैं, 2:45 हुए हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। तो हमारे डेली लाइफ में भी फ्रैक्शन का यूजेज होता है। हम फ्रैक्शन को इसीलिए ही पढ़ते हैं कि हम हाफ़ कैसे लिखें, 1/4 कैसे लिखें, तो 1/4 कैसे लिखें, ये है फ्रैक्शन, यही हमारी फ्रैक्शन है। तो आज हमने पढ़ा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, उसकी एडिशन कैसे होती है।